नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आजकल सड़कों पर एक वर्ग आपको संभल कर चलने वाला दिखेगा, तो वहीं एक वर्ग आपको ऐसा भी दिखेगा जो अक्सर सिर पर कफन बांध कर चलने में यकीन रखते हैं। ये लोग ना तो बाएं देखते हैं और ना ही दाएं, और अक्सर अपने इसी मनमर्जी के कारण खुद तो सड़क हादसों का शिकार होते ही है, साथ ही दूसरों को भी लपेटे में लेने का काम करते हैं। पटना का नवनिर्मित अटल पथ ही ले लीजिए। अगर आप भी अटल पथ पर गए होंगे तो आपने भी ये देखा होगा कि लोग कैसे ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो गलत साइड पर गाड़ी चलाने में भी महारत हासिल कर चुके होते हैं। लेकिन अब इन सब पर लगाम लगने वाला है, क्योंकि अब बिहार की सड़कों पर गाड़ी तय स्पीड से आगे बढ़ी और ज्यादा स्टंट दिखाने का अगर चस्का चढ़ा तो पथ निर्माण विभाग आप पर शिकंजा कसेगा। ऐसे में अब अगर आप सड़क पर चल रहे होंगे और आपको दूर दूर तक कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखे, तो ये समझने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा कि आज तो सड़क पूरी तरीके से धड़ल्ले से खाली है, अब धड़ल्ले से गाड़ी उड़ा देते हैं, क्योंकि ऐसा करना आपको यकीनन महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि अब आपको भले ही ट्रैफिक पुलिस ना दिखे, लेकिन आप हर वक्त स्पीड इंटरसेप्टर और सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहने वाले हैं। इस पहल की शुरुआत पटना के अटल पथ और जेपी पथ से हो भी चुकी है। यहाँ के बाद बिहार के अन्य जिलों की मुख्य सड़कों पर इंटरसेप्टर लगाने का काम होने वाला है। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने या फिर स्टंट के चलते हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर अब उम्मीद है कि इस फैसले के बाद रोक लगना संभव हो सकेगा। लोग सुरक्षित घर वापस लौटे, इसके लिए ही पथ निर्माण विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। अगर आप भी खबरों से अपडेटेड होंगे तो आपको भी इस बात की पूरी पूरी जानकारी होगी कि पटना में अटल पथ और जेपी गंगा पथ पर हादसे किस तेजी से होते हैं। इतना ही नहीं, जितने भी भीषण सड़क हादसे इन सड़कों पर हुए हैं उनमें से कईयों की जान भी जा चुकी है। वहीं बात जेपी सेतु की करें तो अभी ये फिलहाल रोजमर्रा के आवागमन के लिए पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में वर्तमान समय में यह युवाओं के स्टंटबाजी के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है। हाल ही में एक बाइक सवार ने स्टंट करते हुए एक महिला को टक्कर मार दी थी। इन हादसों से सबक लेते हुए ही अब विभाग ने दोनों सड़कों पर सुरक्षा उपकरण लगाने का फैसला किया है। सबसे खास बात यह है कि इन पथों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम किया जा रहा है, जिससे उन लोगों को पकड़ना आसान होगा जो स्टंट मारने रोड पर उतरते हैं। साथ ही उन लोगों की भी पहचान हो सकेगी जो पेट्रोल बचाने के लिए गलत दिशा में ही वाहन चलाने का काम करते हैं। यानी कि अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विभाग स्टंटबाजों और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों वाहन चालकों पर कानूनी शिकंजा कसेगा, जिसके बाद उम्मीद है कि आने वाले समय में सड़क हादसों में कमी आएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।